संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को वर्तमान रियायत के साथ एक हफ्ते यानी 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 17 अगस्त को सुबह 6 बजे खत्म हो रही थी, लेकिन सरकार ढील देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। ऐसे में कोविड कर्फ्यू में सरकार ने लगभग सभी क्षेत्रों में रियायत दी है। इस दौरान बाजार नियमित रूप से सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुल रहे हैं। वहीं शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। साथ ही खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है। वहीं सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के भीतर आवागमन में छूट मिली है। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों से आने वाले उन व्यक्तियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से छूट दी गई है जिन्होंने आने से 15 दिन पहले तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो। वहीं जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं होगा उनके लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन हो रहा है। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि संस्थान के साथ सभी शैक्षिक संस्थान खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। वहीं शादी समारोह में 50 लोगों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही एंट्री मिलेगी। ऐसे में इन सभी रियायतों के साथ कोविड कर्फ्यू को 24 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी एसओपी भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।